देहरादून में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को आज मंजूरी मिली है। 53,000 करोड़ से अधिक का बजट होगा। पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा बजट इस बार होगा। जल संस्थान और जल निगम के एकीकरण को लेकर के कमेटी का गठन किया गया है। चिकित्सा विभाग में नर्सिंग संवर्ग की सेवा नियमावली को मंजूरी मिली है। सीधी भर्ती में 80% महिला और 20% पुरुषों के लिए आरक्षित रखा गया है। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग में फिजियोथेरेपी की नियमावली को मंजूरी दी गई है। राज्य योजना आयोग में पद बढ़ाए गए हैं, 126 अब संख्या होगी। भविष्य में युवा आयोग भी इसी में होगा शामिल। 50,000 करोड़ से ज्यादा का बजट। उत्तराखंड राज्य नदी तटीय विकास प्राधिकरण 2016 को समाप्त करने को मंजूरी। परिवहन विभाग के ढांचे में परिवर्तन। 521 पदों के सापेक्ष 12 पद वापस बढ़ाए गए। 116 नए पद। कल कुल 625 पद का होगा ढांचा। नगर निगम हरिद्वार के अंतर्गत तहसील हरिद्वार के 3522 वर्ग मीटर भूमि का भी आवासीय किया गया है। पूर्व में कुंभ क्षेत्र में हो गई थी शामिल, जो कि लहवा पटेल धर्मशाला के नाम से भूमि है। गैरसैंण विकास परिषद के अध्यक्ष अब आवास मंत्री होंगे। पहले विधानसभा अध्यक्ष होते थे अध्यक्ष, विधानसभा में लाया जाएगा अध्यादेश। प्रमुख सचिव पर्यटन राजस्व होंगे सदस्य। तो ब्रिटकुल में डिप्यूटेशन के पदों में से 2 पदों का ब्रिटकुल में होगा समायोजन। आबकारी नीति को मिली मंजूरी। 3180 करोड़ पिछला राजस्व था, इस बार 3600 करोड़ के करीब रखा गया है लक्ष्य। प्रदेश में शराब के दाम कम होंगे, उत्तर प्रदेश के बराबर ये कम हो जाएंगे दाम। बार की अनुमति करेगा जिलाधिकारी जारी। 3 साल के लिए बार का लाइसेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ में ज्यादा राजस्व वाली दुकानों न अलॉट होने पर डीएम को होगा अधिकार दुकान के 2 भाग करने को। आबकारी अधिनियम की धारा 37 में संशोधन। मद निषेध लागू करने के लिए संशोधन भी हुआ। राज्य सरकार प्रदेश सामाजिक आर्थिक और प्रशासनिक स्तर पर मद निषेध कर सकेगी। तो ये बड़े और महत्वपूर्ण फैसले जो कि उत्तराखंड के कैबिनेट ने आज लिए हैं। हमारे सहयोगी अजीत इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अजीत, काफी अहम बिंदुओं पर आज चर्चा हुई और प्रस्ताव पारित हुआ। किस किस्म के बदलाव को अब देखा जा रहा उत्तराखंड के अंदर, खासतौर पर शराब की कीमतों में भी कटौती की जा रही है? बिल्कुल, सबसे अहम और बड़ा फैसला जो राज्य कैबिनेट का है वो है आबकारी नीति 2020-21 को मंजूरी देना। पहले से ही बहुप्रतीक्षित था और पिछले साल की खामियों को देखते हुए इस बार सरकार ने तेजी दिखाई है और सीधे तौर पर फरवरी माह के अंत में ही आबकारी नीति को लेकर वो कैबिनेट से मंजूर करा चुकी है। सरकार की कोशिश है कि जो पिछले साल का तय लक्ष्य था लगभग 3200 करोड़, उससे ज्यादा इस बार का लक्ष्य रखा जाए और 3600 करोड़ के करीब का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि पिछले साल का जो लक्ष्य है वो अभी तक सरकार या सीधे तौर पर कहें तो आबकारी विभाग पूरा नहीं कर पाया है। तो उन खामियों को देखते हुए इस बार सरकार ने कोशिश की है कि जो शराब के दाम है उत्तराखंड प्रदेश में वो या तो उत्तर प्रदेश के बराबर रखे जाएंगे या फिर उत्तर प्रदेश से वो कम होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश यही है कि आबकारी के माध्यम से ज्यादा राजस्व वसूला जाए। इसके अलावा कई और संशोधन किए गए हैं आबकारी नीति में। पहले जो बार की परमिशन या सीधे तौर पर लाइसेंस के लिए अनुमति मिलती थी वो शासन स्तर पर मिलती थी, लेकिन अब जिलाधिकारी को नामित कर दिया गया है कि जिले के लेकर कोई भी अगर बार का आवेदन करता है तो जिलाधिकारी अपने स्तर से उसको अनुमति प्रदान कर सकता है। साथ ही बार के लिए 3 साल का लाइसेंस लेना होगा। पहले जो 1-1 साल की व्यवस्था होती थी वो अब 3 साल की सीधे तौर मगर अजीत, आबकारी जो स्कीम है, नीति है, उसमें बदलाव किया गया है। शराब की कीमतों में कटौती या दाम कम करने के पीछे की वजह क्या है? सीधे तौर पर अगर देखा जाए सरकार की मंशा है कि ऊंचे दामों की वजह से ही जो पिछले साल का तय लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया है और उसी कमियों को देखते हुए सरकार ने इस बार कोशिश की है कि जल्दी से आबकारी नीति घोषित की जाए और जो शराब के दाम है उनमें कुछ कटौती कर दी जाए जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा शराब खरीदे और कहीं ना कहीं जो राजस्व है वो ज्यादा हो। अजीत, संक्षेप में अजीत, आखिर जो राजस्व का जो लक्ष्य रखा गया है वो पूरा कैसे होगा? बिल्कुल, अगर लक्ष्य की बात की जाए तो सरकार ने जो पिछले साल लक्ष्य रखा था लगभग 3200 करोड़ वो अभी पूरा नहीं हो पाया है। मार्च का महीना केवल बचा है, 200 से 300 के करीब करोड़ का जो अभी लक्ष्य है वो बचा हुआ है। ऐसे में सरकार की कोशिश यही है कि पिछले साल की तुलना में इस बार जल्दी आबकारी नीति घोषित की जाए, तय समय पर सही दुकानें। बहुत शुक्रिया अजीत इन तमाम जानकारी के लिए।